प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आज हम आपको ग्रेट फोटोकॉपी, हाउ टू मेक ए ग्रेट फोटोकॉपी, जैसे कि आज हम बताना चाह रहे हैं सर, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि मशीन की सफाई। सर, जो हमारे मशीन के लेंस होते हैं फोटोकॉपी स्कैन करने के लिए, जैसे हमने बुक शीशे के ऊपर प्रेस किया है, तो हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए उस हिसाब से जैसे कि उसकी सेटिंग बैठी है प्रॉपर। कहीं से ब्राइटनेस, कहीं से बिल्कुल ज्यादा डार्क नहीं, प्रॉपर जितनी हमें मूवमेंट के हिसाब से आंखों में भी नहीं चुभनी चाहिए, उस हिसाब से शाइन को रखना है हमें। जैसे कि हम एडजस्टमेंट करते हैं पेपर मशीन के ऊपर स्कैनिंग के लिए, बुक रखते हैं और बटन प्रेस करते हैं, और हमें जब तक पेपर स्कैन नहीं हो जाता तब तक बुक को सर मूवमेंट चेंज नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है सर, बुक रख देते हैं बटन प्रेस करने के बाद, बुक जल्दी से आगे बढ़ने के लिए पेज को हम बढ़ा लेते हैं सर, उसमें सर टेढ़ा प्रिंट हो जाता है या ब्लैकनेस साइड से अपना एक घेरा छोड़ देती है। इसी तरीके से सर हमें पहले तो सर मशीन के अंदर से सेटिंग सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम सर देखते हैं कि हमारे शीशे जो होते हैं अंदर से साफ होने चाहिए, जो सर स्कैनर है उसके बिल्कुल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, डस्ट आ जाती है सर, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। और हमें स्कैनिंग सैंपल सेट लगाना चाहिए सर हमें हर टाइम। जैसे कि हम सैंपल सेट लगाते हैं सर, एक कस्टमर को हम दिखा के सेटिस्फेक्शन कर देते हैं उनकी। सर थर्ड स्टेप में सर हमें ऐसा है कि सर हमें जो पेपर को सिलेक्ट करते हैं, जिस भी मूवमेंट में सिलेक्ट करते हैं ना सर, उस हिसाब से ही पेपर की प्रिंटिंग को एक्सेप्टिबिलिटी मिलती है। और सर फोर्थ स्टेप में चेक डॉक्यूमेंट टेक्स, हमें ये देखना है कि पेपर की जो बुक है, बुक के ऊपर प्रिंटिंग क्या है, कि टेक्स मैटर है या तो इसमें पिक्चर प्रिंटिंग है, उस हिसाब से समय हमें मशीन के एडजस्टमेंट में जाके यहाँ डिस्प्ले पे एक सेटिंग की ऑप्शन होती है, टेक्स फोटो या रफ डॉक्यूमेंट। अगर टेक्स और डॉक्यूमेंट दोनों की एक ऑप्शन थी, वो सिलेक्ट करके फोटोकॉपी करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो उसमें हमारी इंक भी वेस्ट जाती है और सर हर तरह से हमें नुकसान होता है, हमारी पेपर वेस्टिंग में जाती है सर। और लास्ट में आपने बताया था चेक डॉक्यूमेंट में, उसमें कौन कौन से आपने बताए हैं दो कि वो चेक करने चाहिए, टेक्स्ट टेक्स्ट और सर फोटोग्राफ होती है, जैसे फोटो टेक्स्ट है इसमें से। सर एक जब ये बुक हम स्कैनर के ऊपर ये बुक रख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक सेटिंग होती है, अगर दोनों चीजें एक साथ में है सर हमारी, हाँ इकट्ठी है तो हमें सर यहाँ एक एडजस्टमेंट की दी होती है कमांड, टेक्स फोटो और प्रिंटिंग, वो बटन सेलेक्ट करना चाहिए, उससे हमारी सर शाइनिंग बिल्कुल प्रॉपर और इंक कम यूज होती है। अच्छा, इंक कम यूज होगी अगर वो मतलब बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर, हाँ वो सेटिंग करेंगे तो इंक कम होगी और क्वालिटी अच्छी आएगी, मतलब ये ग्रेट फोटो कॉपी उसी कहेंगे जिसमें आपकी इंक कम यूज हो और क्वालिटी अच्छी हो। फोटो में हमें दिक्कत होती, समस्या होती है कि फोटो की प्रिंटिंग आती नहीं है। अच्छा अच्छा, वो आनी चाहिए, ठीक ठीक। हमें उम्मीद है कि अच्छी व्यक्ति अच्छी फोटो कॉपी कर सकते हैं अगर इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।